दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का सुबह मैथ्स क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, उस पर बहुत सारे बेसिक चीज़ें सीखी और उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल भी किए हुए। उसी सीरीज़ को हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं और मिसलिनियस टाइप के प्रॉब्लम का करने का प्रयास करते हैं। अगर से आप हमारे यूट्यूब चैनल सुबह मैथ्स क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज़ प्योरली इमेजिनरी, और व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ़ जेड इज इक्वल टू 1। अगर से जेड की वैल्यू 1 है तो इसके लिए क्या आने वाला है। और अगला क्वेश्चन इसी में और एक और है, इफ़ जेड वन जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 × z1 / 3 × z2 इज़ प्योरली इमेजनरी नंबर, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू बटे मीन जेड वन प्लस जेड टू। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। और अगर हम लोग मॉड ऑफ जेड की बात करें तो इसको इन्होंने 1 दे रखा है, ओके। अगर हम लोग जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे और मॉड की डिफिनीसन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर का जो रूट होता है वो हट जाए, ओके। हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना लेते हैं। अब हमसे जो पूछा है जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है, ओके। तो हम लोग जेड की वैल्यू रख लेते हैं एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 और एक्स प्लस आई वाई प्लस का 1, ओके। तो हम लोग इसकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, नीचे मिल जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, ओके। अब हम लोग यहाँ से जो नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को हटाना चाह रहे हो तो हम लोग नीचे वाला जो डिनोमिनेटर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, नीचे मिल जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, नीचे मिल जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, ओके। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ है, माइनस और प्लस में, तो एक्स माइनस 1 प्लस आई इंटू वाई एक ब्रेकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रेकेट में आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस आई इंटू वाई, और नीचे आपको मिल जाएगा क्या चीज़, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया। अब हम लोग ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 ऐसे हो जाएगा माइनस आई इंटू वाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ओके। नीचे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई वाई, आप कॉमन ले लीजिए दोनों से तो मिल जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर एक हमारा ऊपर टर्म छूट गया है ये वाई स्क्वायर वाला, ओके। तो नीचे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। अब हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई इंटू वाई, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा आई वाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2, नीचे आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू तो हमको 1 मिल जाएगी प्लस 1 प्लस 2x। अब हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसकी वैल्यू चेक करें तो 1 होता है और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो 2iy, नीचे आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस एक्स मिल जाएगा, ओके। तो ये हमको क्या मिल गया, विच इज़ प्योरली
इमेजिनरी, जो कि हमारे पास एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। ओके, तो उसने हमसे पूछा, वो कहा था कि z माइनस वन अपान में z प्लस वन की जो वैल्यू होती है वो प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में अगला कहा गया है से अगर से, उसके बाद इसने ये कहा है कि अगर से z इज इक्वल टू वन तो z माइनस वन अपान z प्लस वन की वैल्यू क्या आनी। तो हम लोग z की वैल्यू रख लेते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल टू तो हम लोगों की इसकी वैल्यू मिल जाएगी i इंटू जीरो। ओके, अब हमें हम लोग यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपेरिजन करें तो x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और y की वैल्यू 0 मिल रही है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, z माइनस वन अपान z प्लस वन की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से x प्लस आई वाई z की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद इस वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, x प्लस आई वाई माइनस प्लस वन। तो x की वैल्यू यहाँ से हमको 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 प्लस 1, दैट इज 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब अगर से आप z की वैल्यू 1 लेते हैं तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने ऊपर लिख रखा है। तो उस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि सो दैट रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सॉरी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इफ जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट टू टाइम्स जेड वन अपॉन थ्री टाइम्स जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी नंबर देन फाइंड जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी, तो हम लोग इस वाली प्रॉब्लम को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है टू टाइम्स जेड वन अपॉन थ्री टाइम्स जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे कि इन्होंने जो दे रखा है टू टाइम्स जेड वन थ्री टाइम्स जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड वन थ्री जेड टू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई, और लैम्डा की वैल्यू रियल नंबर, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आपको प्योरली इमेजिनरी ही देने वाला है। अब हम लोग इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, आप जेड वन बटे में जेड टू इज इक्वल टू निकाल लीजिए तो मिल जाएगा थ्री टाइम्स लैम्डा बटे में टू इंटू आई। ओके, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब जैसा कि हमसे कहा गया है किसकी वैल्यू पूछी है, जेड वन माइनस जेड टू और बटे में जेड वन प्लस जेड टू इसकी वैल्यू पूछी है। हमारे पास जेड वन बटे में जेड टू का रिलेशन है, हम लोग यहाँ पर भी वही रिलेशन लाना चाह रहे हैं, मॉड ऑफ, तो ये आपको दे देगा क्या चीज़, अगर हम लोग जेड टू कॉमन ले लें तो जेड वन बटे में जेड टू माइनस वन, और नीचे भी आपको मिल जाएगा जेड वन प्लस जेड बटे में जेड टू प्लस वन। हम लोग जेड वन और जेड टू की वैल्यू रखते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, थ्री लैम्डा आई बटे में टू माइनस वन, और नीचे आपको मिल जाएगा थ्री लैम्डा आई बटे में टू प्लस वन, ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से मॉड की जो डिफिनीशन होती है इसका इस्तेमाल कर देंगे, तो थोड़ा से सॉल्व करने के बाद करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा थ्री लैम्डा आई माइनस टू और थ्री लैम्डा आई प्लस टू। यहाँ से हमारे पास नीचे वाला जो टू होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग मॉड की जो डिफिनीशन होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा नाइन लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर, और नीचे भी आपको मिलेगा नाइन लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर, दोनों चीज़ें सेम होती है, इसको आप लोग काट दीजिए और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी वन। तो जो हमसे वैल्यू पूछी थी किसकी, टू टाइम्स जेड वन बटे में थ्री टाइम्स जेड टू इज इक्वल टू क्या आएगा, तो उसकी वैल्यू वन आएगी अगर से टू टाइम्स जेड वन बटे में थ्री टाइम्स जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी है तो। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा इज इक्वल टू वन, फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बटे में वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले उसने जो कहा है उसकी बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जो अल्फा और बीटा है टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है,
डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, जैसे कि हम लोग मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा बार हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन ना, हम लोग इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, बीटा माइनस अल्फा और वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार, तो आपको मिलेगा बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और इसका बार। ओके, हम लोग अब इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इस वाले को अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार और नीचे आपको मिल जाएगा वन माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। ओके, अब हम लोग इस थोड़ी चीज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, नीचे आपको मिल जाएगा वन माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार और आपको एक और मिलेगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार। ओके, हम लोग यहाँ से क्या लिख पा रहे हैं, इस सारी चीज़ को अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नीचे आप क्या लिख पाएंगे इस चीज़ को, वन, ये हमारे पास हो जाएगा वन माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। अब हमसे कहा गया है कि जो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू वन है, रख दीजिए। अगर इसकी वैल्यू वन है तो हम लोग रखेंगे वन माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, नीचे आपको मिलेगा वन माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें तो सेम लिखी हुई हैं, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा वन। ओके, तो इसका रिजल्ट हमको वन मिल गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बटे वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स। हमको यहाँ से x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो दिया गया है 1 माइनस आई मॉड के अंदर है टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू दी पावर एक्स। हम लोग मॉड का जो डिफिनीशन होता है, जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हम लोग अगर मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ तो आपको मिल जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिफिनीशन का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं, आपको मिल जाएगा वो अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो इसका पावर हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये पूरे का अंडर रूट है, टू दी पावर एक्स। अगर हम इसको देखें तो टू की पावर एक्स बाई टू लिख पाएंगे बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू दी पावर एक्स। ओके, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हम लोग अगर x को इधर ले आ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x बाई टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब हमको नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लेना है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम लोग पुट करते हैं, लेट करते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है ना। अब हम लोग इस जेड की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इस रिलेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का बार इज इक्वल टू आई टाइम्स एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा आई टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई। अगर हम लोग इसकी बात करें तो x माइनस आई वाई हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा i टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर इधर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं i से, तो ये आपको दे देगा क्या चीज़, माइनस टू एक्स वाई। अब हम लोग यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट का आपस में कंपेरिजन करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट का करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग इसको अलग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई कॉमन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टू एक्स, सॉरी एक्स कॉमन हो जाएगा। जब हमारे पास एक्स कॉमन होगा तो आपको मिलेगा क्या चीज़, वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। और हम लोग इसको एक साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ से मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और इसको हम लोग वन कह लेते हैं। और हम लोग केस लेते हैं फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर से एक्स की वैल्यू हम लोगों ने जीरो ली, अगर से एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका इस्तेमाल कर देंगे, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको जहाँ पर x है वहाँ पर जीरो रख लेना है, तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज वाई कॉमन हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको y की वैल्यू एक तो जीरो मिल रही है और दूसरी वन मिल रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉसिबल हो गया, जो z हो गया, वो हो जाएगा हमारे पास एक x की वैल्यू जीरो प्लस आई इंटू जीरो, और एक और हो जाएगा जीरो प्लस आई, तो दैट इज आई। तो आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ मिल गई, अगर x की वैल्यू आप जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू जीरो और वन मिलती है, ठीक है ना। हम लोग केस सेकंड लेते हैं, अगर से y की वैल्यू माइनस वन बाई टू लेते हैं तब x की वैल्यू क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हम y की जो वैल्यू माइनस वन बाई टू आई है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया वन अपान फोर माइनस प्लस माइनस माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, हम लोग इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान फोर प्लस वन बाई टू, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, टू इंटू थ्री अपान फोर हो जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपान फोर हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। तो एक्स की वैल्यू आपको एक मिल गई रूट थ्री बाई टू, और दूसरी x की वैल्यू मिल गई आपको माइनस रूट थ्री बाई टू। तो हमको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू मिलेगा, जब हमने y की वैल्यू माइनस वन बाई टू ली है तो रूट, सही है, कोई दिक्कत नहीं, रूट थ्री बाई टू प्लस आई बाई टू। और दूसरा आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू, y की वैल्यू हम लोगों ने ले रखी है माइनस वन बाई टू, तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस आई टाइम्स टू, क्योंकि वाई की वैल्यू हम लोगों ने माइनस वन बाई टू ली है, तो ये हो जाएगा। तो आपको जो जेड मिल रहा है वो क्या क्या चीज़ मिल रहा है, हेंस आपको जेड की वैल्यू मिल रही है जीरो, उसके बाद मिल रही है आई, उसके बाद मिल रही है रूट थ्री बाई टू माइनस आई बाई टू, उसके बाद माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस वन अपान टू इंटू आई। तो ये जेड की इतनी पॉसिबल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टाइप की प्रॉब्लम की। तो हमारे पास जितने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की है, अगर से कुछ क्वेश्चन स्पेशल टाइप के छूट जाते हैं तो हम लोग उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक आप हमारी वीडियो का एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।